हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RBI ऑफिस अटेंडेंट के मैथ्स के स्ट्रैटेजी को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के स्ट्रैटेजी को, क्या हम फॉलो करें कि हमें 30 में से 30 मार्क्स आ जाए, ठीक है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से बुक्स को आप पढ़ें कि आपके फुल मार्क्स आए। तो फ्रेंड्स, जिसने जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो शेयर जरूर करें। और 3:30 से 5 बजे के बीच में हमारा लाइव सेशन होता है, उस लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। उसमें मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ ही साथ GA के सेशंस भी लेता हूं, जिसका रूटीन भी बना दिया है, रूटीन बना दूंगा। उस रूटीन के अनुसार हम लोग अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं पहले सिलेबस की तरफ और डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो RBI ऑफिस अटेंडेंट के सिलेबस का बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो पहला जो सिलेबस है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसका वेटेज है 0 से 5 क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, बहुत एक्यूरेसी इसमें पॉसिबल है, इसमें लाया जा सकता है फुल में फुल मार्क्स। बार ग्राफ्स आ सकता है, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड अगर बात करें दोस्तों, तो अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसका वेटेज जो है 2 से 3 क्वेश्चन है। स्कोरिंग मार्क्स है, ईजी है कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिकी भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है ना। बेसिक अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, एलिमेंट्री सर्ट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 मोर वैल्यूएबल। तीसरा क्या है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में वेटेज का अगर बात करें 2 से 3 क्वेश्चंस। लेवल अगर बात करें इजी टू मॉडरेट, इन डिफिकल्टी मॉडरेट लेवल का रहेगा, हाई एक्यूरेसी में पॉसिबल है। ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरेललिपिपेड, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, तो वेटेज आपका है 1 से 2 क्वेश्चन। टाइप्स अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, सक्सेसिव सेलिंग टाइप क्वेश्चंस, पार्टनरशिप, डिस्काउंट एंड MP। लेवल का अगर बात करें ना, तो स्कोरिंग है आपका इजी है, आप मॉडरेटली टाइम कंज्यूमिंग है इसमें। रेशियन और प्रोपोर्शन की बात करें तो 0 से 1 क्वेश्चंस। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ना कितना ज़्यादा वेटेज है कौन से टॉपिक का। रेशियन प्रोपोर्शन का बात करें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछता, हाई एक्यूरेसी पॉसिबल है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल रेशियोज, मीन प्रोपोर्शन, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पूछता है। छठा नंबर टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से, 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, बॉर्ड मास पे, अप्रॉक्सीमेशन पे और परसेंटेज फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरेस्ट में आपके आ सकता है 1 से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मिक्स इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे। फिर क्या है आपका 8वां नंबर टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। 9वां नंबर क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन। टाइप्स कैसा था, वर्क एफिशिएंसी, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न एक्सेट्रा। देखिए 10वां नंबर टॉपिक जो है ना, परसेंटेज से, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे आते हैं। वेटेज क्या है, 0 से 1 क्वेश्चन का वेटेज है आपका। लेवल जो रहेगा इजी लेवल का, टाइप कैलकुलेशन ओरिएंटेड बेसिक परसेंटेज रहता है। 11वां नंबर टॉपिक जो आपका एग्जाम में पूछेगा, नंबर सिस्टम, वेटेज रहेगा 1 से 2 क्वेश्चन। लेवल ट्रिकी रह सकता है, टाइप्स क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, मल्टीपल फैक्टर्स, इंटीजर्स, LCM एंड SCF, ओके। 12वां नंबर टॉपिक जो है एवरेजेस से संबंधित है, वेटेज आपका 1 क्वेश्चन रहेगा, लेवल आपका इजी टू सॉल्व, लेस टाइम कंज्यूमिंग, हाई एक्यूरेसी पॉसिबल है, एवरेज वेट, हाइट, एज, मार्क्स, एवरेज मनी, एक्सपेंडिचर, एवरेज टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए बेस्ट बुक क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन उसमें से पूछे आते हैं। इसके माध्यम से आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जो जो मैंने टॉपिक बताया है और मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव क्लासेज में। बेस्ट बुक का बात करें तो SCN का आप RS बॉल खरीद सकते हैं, इसको निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, राजेश वर्मा का, उसे भी आप बनवा सकते हैं, उसे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स का इंपॉर्टेंट बुक था, जो कि आप परचेस कर लीजिए और इस पे बेस्ड तैयारी कीजिए और लाइव क्लास में जरूर जुड़िए फ्रेंड्स। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। धन्यवाद।